एक्सरसाइज 14.2 देख रहे हैं, फैक्टराइजेशन की है। इसे फैक्टराइज करना है इस एक्सप्रेशन को। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, इसको समझिएगा बहुत ध्यान से। हमने क्या देखा, यहां पर 16 है, क्या है 16, ओके 16। अब 16 होता है क्या क्या हो सकता है इसमें, मैं पहले इसको 2 into 2 into 2 into 2 लिख देता हूं। इस 16 में ऐसा कुछ करना है कि 8 आ जाए, कैसे बनेगा 4 plus 4, हाँ यहीं पे मिल गया, 4 plus 4 8 होता है। तो अगर मैं इस ए स्क्वायर प्लस 8a + 16 को लिखूं, ए स्क्वायर प्लस 4a + 4a + 16, तो क्या बनेगा, मैं यहां से a कॉमन ले सकता हूं, तो बनेगा a a + 4। चलिए यहां से देखिए 4 कॉमन लेता हूं, तो क्या बनेगा a + 4। अब इस पूरे से a + 4 कॉमन ले लेता हूं, तो a + 4 a + 4। एक्चुअली मैं ये a + 4 होल स्क्वायर का ही एक्सपेंशन है। तो देखिए हमने क्या किया, इस 16 को 4 into 4 लिखा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में हमको इन दोनों को मिला के या 16 को इस तरीके से लिखना है कि हमें 4 plus 4 4a + 4a लिखे। अब ये क्यों लिखा, वो उसका कारण क्या है, आप जरूर पूछेंगे कि इसको इसके फॉर्म में क्यों लिखा। वो इसलिए कि जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास इस तरीके का कुछ एक्सप्रेशन बनना चाहिए, तभी तो फैक्टराइज हो पाएगा। फैक्टर का मतलब ये है, 6 को मैं कैसे लिखूं कि ये फैक्टर बने, इसके 6 के फैक्टर 2 into 3 तो होंगे, तो मुझे दो भाग में चाहिए, ओके 9 है तो 3/3, ऐसे 12 है तो 2 into 4 4 2 8 नहीं बन रहा, 12 कैसे बनेगा, 6 2 12, अभी दो फैक्टर बने, लेकिन 6 का 2 into 3 और बनेगा, तो 2 into 3 into 2 ये बनेगा, तो 6 3 2 6 भी इसका फैक्टर है, ओके 2 2 4 भी इसका फैक्टर है। इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। नेक्स्ट क्या, p² - 10p + 25 में देखिए 25 क्या होता है, 5 5 25 है ना। अब देखो अगर मैं 5 + 5 करूंगा तो 10 आएगा, बस मेरा काम बन गया। p² इसको लिख सकते हैं -10 को -5 -5p, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम p², ये वाले को लिख सकते हैं p² - 5p - 5p + 25। इससे p कॉमन ले लीजिए, p - 5 आएगा, फिर यहां पर भी p कॉमन ले लीजिए, -5 कॉमन लीजिए, सॉरी, तो p - 5 अंदर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास p - 5 p - 5, यानी कि दो बन गए, p - 5 का होल स्क्वायर है 25m² + 30m + 9। इसमें क्या करेंगे, इस 25m² को तो हम सीधा 5m² लिख सकते हैं, ये हमारे पास 9 है, इसको हम 3² लिख सकते हैं, या 5m² हो गया। अब 30m आ गया, अब 30m को कैसे करें, ये देखिए 5 और 3 है ना आपके पास, इसका मतलब 5 और 3 दिस a² + b² + 2ab, और 2ab क्या है आपका 30m, और 15 into 2 30 यही होता है। तो आप देखिए a² + b² + 30m को कैसे लिख सकते हैं, 2 into 5m into 3 लिख सकते हैं, ओके 5m ये a लिख दीजिए, इसको b लिख दीजिए, इसको a² कर दीजिए, इसको b² कर दीजिए, तो ये a² + b² + 2ab का ही फॉर्मूला बन रहा है, तो a² + b² + 2ab = a + b² 5m + 3 का होल स्क्वायर है। अगले में भी ऐसे करेंगे, इसको 7y का होल स्क्वायर लिख दीजिए, ये 6z का होल स्क्वायर लिख दीजिए, और अंदर का देखिए क्या ये 7y और 6z का कॉम्बिनेशन में कुछ बन रहा है, 7y 6z। तो अगर मैं 2 यहां लिखूं तो ये 2ab के फॉर्म में बन रहा है, अगर मैं इसको a मान लू, इसको b मान लू, तो a² + b² + 2 into a into b, यानी कि a + b का होल स्क्वायर, a आपका 7y है, b इसमें 6z है, तो अल्टीमेटली 7y + 6z का होल स्क्वायर बन रहा है। 4x² - 8x + 4, अब मुझे क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसको तो पहले 2x होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब ये 8 को हम लिख सकते हैं, ये भी 2² है, पहले तो 4 है, 2² कर दीजिए, इसको 2x, जो आपको स्क्वायर दिख रहा है तो उसको बना दीजिए 2x का होल स्क्वायर। 8x को क्या हम 2x और 2 के हिसाब से भी लिख सकते हैं, 2x और 2 लिखे तो हाँ, अगर 2 मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2ab बन रहा है, a² + b² - 2ab, बस सीधा a² + b² - 2ab कर दीजिए, इसका माइनस भी हो सकता है, a इसमें 2x है, b आपका 2 है, 2x - 2 का होल स्क्वायर। अगर चाहे तो 2 को कॉमन लेके इसको 4x - 1 भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जितना फैक्टर बन सके उतना बना दीजिए। यहां पर 121 क्लियर दिख रहा है कि ये 11 का स्क्वायर, 11b² ये 16 दिख रहा है, 4c का होल स्क्वायर। अब 11b और 4c को अगर हम a और b माने और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2ab बन जाएगा, तो a² + b² - 2ab,
11 भी है बी फोर सी। अब एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस फोर एल, तो अगर एल एम एल प्लस एम होल स्क्वायर का हम पहले खोल दें, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस टू एल एम, और टू एल एम और माइनस फोर एल एम कितना होगा माइनस टू एल एम, ये बना ना माइनस टू एल एम। अब हम देख पा रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी इसका मतलब ये है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू, तो ये हमारा सेवंथ वाला सवाल। नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, ये वाला, ये मुझे दिख रहा है ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मुझे दिख रहा है बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, अगर टू से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, सीधी सी बात है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रिजल्ट है, ये हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसको इस रिजल्ट को लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। अब इसको फैक्टराइज करना है क्वेश्चन नंबर टू को, फोर पी स्क्वायर माइनस नाइन क्यू स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे, ये सीधा हमको दिख रहा है टू पी का होल स्क्वायर, ये 9q है यानी कि 3q का होल स्क्वायर। हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, बस फैक्टर बन गया। तो 4p को 2q 2p स्क्वायर लिखिए, qp q 9q को 3q का होल स्क्वायर लिखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, सीधा 2p माइनस 3q 2p प्लस 3q। इसमें भी यहाँ पर देखिए 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर, अभी बन नहीं रहा है कुछ, क्यों ना हम साथ इस, क्योंकि देखिए 7 9 63 है, ये आपका 7 इंटू 16 है, 7 कॉमन ले लीजिए, 9 ए स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर बचेगा अंदर। अब अभी अभी हमने ये क्या किया था, सेम चीज 9 ए का होल स्क्वायर यानी 3 ए का होल स्क्वायर, 16 बी का 4 बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी, इफेक्ट बन गया इसके। नेक्स्ट वाले में यहाँ 7x का होल स्क्वायर यहाँ 6 का होल स्क्वायर, 7x का होल स्क्वायर माइनस 6x का होल स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, 7x माइनस 6 और 7x प्लस 6, ऐसी ये 16x की पावर 5 है, 144x क्यूब है। तो पहले तो x क्यूब तक देखिए, ये इसका मतलब क्या होता है, x की पावर 5 का मतलब होता है x क्यूब प्लस x स्क्वायर, ये तो होता है, तो x क्यूब कॉमन ले सकते हैं, तो x क्यूब ले लीजिए, 16 कॉमन लेंगे तो अंदर x स्क्वायर माइनस 9 बचा, ये x स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर का मतलब होता है x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो x माइनस 3 x प्लस 3। ऐसे अब ये देखिए, ये ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी प्लस बी, तो l प्लस एम प्लस एल माइनस वन एम, और l प्लस एम माइनस एल माइनस एम, यानी कि माइनस यहां पर आएगा, तो ये पहले तो ये यहां से m कट जाएगा, ये l प्लस एम जब इसको खोलेंगे तो ये माइनस l तो ठीक रहेगा, m प्लस हो जाएगा तो ये l कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2m और ये 2l, ये 2m यहां से आएगा 2l यहां से, दैट इज 4l। इसमें भी ऐसे करेंगे, ये 3xy का होल स्क्वायर है ये 4 का होल स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3xy माइनस 4 3xy प्लस 4। नेक्स्ट वाले में भी पहले तो क्या करिए कि इसको देख लीजिए, ये सीधा का सीधा आपको दिख रहा है x प्लस ये माइनस यहां होता है ना माइनस 2ab, x माइनस y का होल स्क्वायर है ये, अब x माइनस y का होल स्क्वायर लिख दिया z स्क्वायर लिख दिया, तो a माइनस b a प्लस b, a इसमें x माइनस 1 है, b आपका z है, तो a माइनस b यानी x माइनस y माइनस z और x माइनस y प्लस z। अब 25 ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर प्लस 28 बी सी माइनस 49 सी स्क्वायर, पहले तो 25 ए स्क्वायर को 5 ए स्क्वायर लिख दीजिए, अंदर वाले टर्म को ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए, इसमें आप क्या करिए इसको देख लीजिए, 4 बी स्क्वायर है 2 बी स्क्वायर, 49 है 7 सी स्क्वायर। अब 2b और 7c को देखें तो 2b और 7c को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंदर वाला 28 बी सी आ रहा है, यानी सीधी सी बात है कि ये a माइनस b का होल स्क्वायर, इसमें a 2b है और b 7c है, a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। अब हम 5 ए स्क्वायर हम लिख चुके हैं इसको, और ये होल स्क्वायर भी है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी ए प्लस बी, ए इसमें 5a है, बी आपका 2b माइनस 7c है, बस 5a माइनस 2b माइनस 7c, 5a प्लस 2b माइनस 7c, यानी 5a माइनस 2b प्लस 7c, 5a प्लस 2b माइनस 7c, ये आपका फैक्टराइज हो गया। अब फैक्टराइज करना है इस एक्सप्रेशन को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसमें कुछ हो नहीं पाएगा, केवल x आप कॉमन लीजिए, a प्लस बी ए एक्स प्लस बी, बस इतना ही बनेगा, ऐसा बनेगा, बाकी और देखते रहते हैं। 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर, 7 क्योंकि 21 होता है, 7 3 21, तो बस 7 कॉमन ले लीजिए, p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर आ जाएगा। थर्ड में आइए, यहां पर क्या बनेगा, आप बस 2x कॉमन ले लीजिए सब में, आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बनेगा। अगले वाले में आप क्या करेंगे, इससे m स्क्वायर ले लीजिए यानी कि a प्लस बी अंदर बचेगा, इससे n स्क्वायर ले लीजिए a प्लस बी अंदर बचेगा, अब a प्लस बी सारे से कॉमन ले लीजिए, तो m स्क्वायर यहां बचेगा या n स्क्वायर बचेगा, a प्लस बी इंटू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। नेक्स्ट वाले में आप क्या करेंगे, पहले तो इसको आप क्या करिए, एल एम प्लस वन है ना, ये आप ध्यान दीजिए, ये l दिख रहा है, ये 1 है, तो इससे l कॉमन लीजिए,
एल का मान लेते हैं एम प्लस वन मिल जाएगा और यहाँ पर आपका प्लस वन और एम प्लस वन। ओके वन क्यों लिखना है, क्योंकि जब एम प्लस वन इससे कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ तो कुछ बचना चाहिए ना, एम प्लस वन कॉमन लेंगे अंदर एल प्लस वन बचेगा। ऐसी वाई इंटू वाई प्लस जेड और प्लस नाइन वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड कॉमन ले लीजिए, वाई प्लस नाइन अंदर आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें फाइव वाई स्क्वायर है, ओके तो फाइव वाई को जरा कॉमन लेके देखिए इनमें से, फाइव वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ वाई बचेगा और माइनस फोर। ये यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, थोड़ा सा इसको आपको रीअरेंज करना पड़ेगा, टू वाई जेड को आगे लाइए, एट जेड को यहाँ ले जाइए, टू जेड कॉमन लीजिए तो वाई माइनस फोर बचेगा, वाई माइनस फोर को सबसे कॉमन ले लीजिए तो फाइव वाई प्लस टू जेड भी बचेगा, यानी कि फाइव वाई माइनस फोर इंटू टू फाइव वाई प्लस टू जेड। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर टू ए कॉमन ले लीजिए अंदर फाइव ई प्लस टू, फाइव बी बी प्लस टू बचेगा जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, टू ए प्लस वन आएगा या फाइव प्लस फाइव बी प्लस टू आएगा। ऐसी सिक्स ए वाई सिक्स एक्स वाई माइनस फोर वाई प्लस सिक्स माइनस एक्स मेन एक्स, तो यहाँ पर आप थ्री एक्स कॉमन लीजिए टू वाई माइनस थ्री बचेगा, यहाँ पर केवल टू कॉमन लीजिए तो टू वाई माइनस थ्री बचेगा, यानी थ्री एक्स माइनस टू जब हम टू वाई माइनस थ्री कॉमन ले लेंगे तो थ्री एक्स माइनस टू बचेगा जो यहाँ दिख रहा है। अब फैक्टराइज करिए, जैसे ए टू द पावर फोर माइनस बी टू द पावर फोर है तो मुझे दिख रहा है ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस और इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दीजिए इसको, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो हम जानते ही फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पर ए ए स्क्वायर है और बी बी स्क्वायर है, तो बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस, और ये तो है। नेक्स्ट वाला है पी टू द पावर फोर माइनस एट्टी वन, हम जानते हैं कि एट्टी वन का मतलब होता है थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, यानी नाइन इंटू नाइन, तो नाइन का थ्री थ्री टू द पावर फोर लिख सकते हैं आप इसको चाहे तो एक तरीका तो ये है कि पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, तो पी स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, तो ये तो ये बन जाएगा सीधा, और पी स्क्वायर माइनस थ्री में फिर ये लगा देंगे फॉर्मूला ये वाला, तो पी माइनस थ्री पी प्लस थ्री। ऐसे अगला है एक्स टू द पावर फोर है, इसके एक्स स्क्वायर को होल स्क्वायर करिए, वाई प्लस जेड का की पावर फोर है तो वाई प्लस जेड के स्क्वायर को होल स्क्वायर करिए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल रहा है आपको, ये होगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ओके। अब ये इसका तो ये वाला जो टर्म है इसको तो आप ऐसे लिखेंगे, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां दिख रहा है, इसको दोबारा ए माइनस बी ए प्लस बी लगाइए, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तो ये आपका ये आएगा। इस वाले में क्या करेंगे, सीधा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर या एक्स माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। जैसे मैंने बताया इसका तो आप कुछ देख रहे हैं अभी, क्योंकि एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर कर सकते हैं, पहले तो हम इसको अलग से कर लेंगे, ये ए मानेंगे एक्स माइनस जेड को बी मानेंगे, एक्स को ए और बी को एक्स माइनस जेड, तो ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ओके। अब एक्स इस वाले में क्या कर सकते हैं, इसको ओपन कर दीजिए एक्स माइनस जेड को होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स जेड, यानी कि ये बनेगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि ये तो बनेगा, इस वाले में एक्स कैंसिल हो जाएगा तो केवल जेड यहाँ पर केवल आपका जेड बचेगा, दिस इज जेड और ये टू एक्स प्लस जेड। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप ये देख रहे हैं एक्स ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और जैसे हमने ये देखा रहे ये तो अंदर टू ए बी यानी कि टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो सीधा ये ए माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ओके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और अंदर वाला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है फैक्टराइज एक्सप्रेशन पी स्क्वायर प्लस सिक्स पी प्लस एट, इसमें जैसे मैंने बताया था एट को कुछ इस तरीके से लिखिए कि छह बन जाए, तो एट होता है क्या होता है फोर इंटू टू है ना, फोर प्लस टू सिक्स होता है, बस बन गया पी स्क्वायर प्लस फोर पी प्लस टू पी, और यहाँ फोर इंटू टू है, हमने ये इसलिए लिया कि जब हम यहाँ पी कॉमन लें तो पी प्लस फोर बने, और जब यहां पर हम टू कॉमन लें तो पी प्लस फोर बने, इसको कॉमन बनाने के लिए हमने इस टर्म्स में इसको लिखा है। अब यहाँ पर पी प्लस फोर सब में कॉमन लीजिए, पी प्लस फोर पी प्लस टू आ जाएगा, इसे भी ऐसे करेंगे। हम जानते हैं सेवन थ्री से ट्वेंटी वन होता है और सेवन प्लस थ्री टेन होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर माइनस थ्री क्यू माइनस सेवन क्यू और प्लस सेवन टू थ्री तो है, या माइनस सेवन क्यू माइनस थ्री क्यू, वो तभी टेन माइनस टेन क्यू बनता है, क्यू कॉमन ले लीजिए क्यू माइनस सेवन बनेगा, थ्री कॉमन ले लीजिए क्यू माइनस सेवन बनेगा, क्यू माइनस थ्री क्यू माइनस सेवन। पी स्क्वायर प्लस सिक्स पी माइनस सिक्सटीन, सिक्सटीन क्या होता है फोर फोर सिक्सटीन,
दो माइनस करेंगे तो 6 बनेगा, तो इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p, हमने 6p को 8p माइनस 2p लिखा, बाकी 8 टू द 16 चल रहा है, इससे आप p कॉमन ले लीजिए p प्लस 8 बनेगा, इससे आप माइनस 2 कॉमन ले लीजिए p प्लस 8 बनेगा, p प्लस 8 को पूरे से कॉमन ले लीजिए p माइनस 2 बनना बचेगा। तो ये एक और एक्सरसाइज देखी हमने फैक्टराइजेशन की, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।